हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट फिल्टर पर। आज से कुछ साल पहले कोलकाता ने एक महान कप्तान को टीम से निकाल दिया था, उनकी जगह किसी और को टीम का कप्तान बना दिया था। इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा विवाद हुआ था और इस डिसीजन पर कोलकाता के दर्शक भड़क गए थे और मैच नहीं देखने तक का भी फैसला कर लिया था। ये कप्तान कोई और नहीं बल्कि इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली थे। आज उसी कप्तान की जरूरत केकेआर को पड़ गई है। इंडियन प्रीमियर लीग की टीम केकेआर के सीईओ ने ईडन गार्डन्स की पिच पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है, ईडन गार्डन का विकेट वैसा नहीं है जैसा वे चाहते थे। उन्होंने कोलकाता के बाहर अपने घरेलू मैच खेलने के ऑप्शन को भी खारिज कर दिया। कोलकाता ने रविवार को ईडन गार्डन पर खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस को 34 रनों से हराकर 6 मैचों बाद अपनी पहली जीत दर्ज की। केकेआर के सीईओ ने पत्रकारों से कहा कि आप अपनी टीम घरेलू परिस्थितियों को देखकर बनाते हैं, क्योंकि आपको वहां 7 मैच खेलने होते हैं, पर हमें घर पर खेलने का फायदा नहीं मिल रहा है, हमें घर पर खेलने का फायदा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो सौरभ गांगुली और बंगाल क्रिकेट संघ से इस मसले पर बात करेंगे। इससे तो यही बात पता चलता है कि केकेआर को अपनी मनपसंद पिच चाहिए ताकि वो खूब रन बनाए। यही कारण है कि केकेआर के सीईओ सौरभ गांगुली से बात करना चाहते हैं। अब सौरभ गांगुली इस बात पर क्या फैसला लेते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट फिल्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।